वेलकम टू टीचर्स पॉइंट। 10th क्लास के स्टूडेंट, अभी पिछले तीन वीडियो में पठ लेखनम और अपठित गद्यांश के डाल रही थी स्टूडेंट्स के फरमाइश पर, और पत्र लेखनम भी करवा दिए हैं। अब मैं सीधे जो मैंने छोड़े थे समास, मैं वहीं से समास को उठाती हूँ और आज मैं आपको द्वंद समास कराने जा रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ द्वंद समास, द्वंद समास। और बच्चे द्वंद समास एक बार, द्वंद समास की परिभाषा एक बार, समास क्या है वो एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिए थे समास, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रही हूँ समास क्या है। जब दो या दो से अधिक पदों को एक पद में बनाया जाता है तो वो समास कहलाता है, एक शब्द में तैयार किया जाता है वो समास कहलाता है, और जब एक शब्द को अलग अलग फिर बांट दिया जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है, राइट। तो अब हम कौन सा समास कर रहे हैं बच्चों? द्वंद समास कर रहे हैं। और द्वंद समास के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से तीन भेद होते हैं? पहला हमारे पास आता है इतरेतर द्वंद, दूसरा हमारे पास आता है समाहार द्वंद, तीसरा हमारे पास आता है एक शेष द्वंद, ओके। अब इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद और एक शेष द्वंद, अब ये तीनों द्वंद समास के ही भेद हैं। ये द्वंद इतरेतर में क्या होता है, जो पद बिल्कुल अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद समास कहते हैं। इतरेतर का मतलब ही बच्चों अलग अलग होना होता है, और पहले मैं साथ के साथ समझाती जाऊंगी। अब मैं सबसे पहले आपको इतरेतर समास सिखाने, इतरेतर द्वंद समास सिखा रही हूं। द्वंद समास, इतरेतर द्वंद समास में क्या है बच्चों कि ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इसे हम जोड़ करके एक साथ जोड़ते हैं और उसे समास बनाते हैं। अब जैसे हमारे पास बच्चों आया है रामः च श्यामः च, देखिए ये बच्चों क्या है, ये समास विग्रह है, क्योंकि राम और श्याम अलग अलग हैं। अब हम इसे एक बनाएंगे, हम इसे च को और को हटा देंगे और हम क्या करेंगे, राम श्याम ये लिख लिया, दोनों के मूल शब्द लिख लिए, और ये दो मिलकर क्या बन रहे, द्विवचन। तो हम और द्विवचन है, और ये आखिरी वाला जो पद है वो पुल्लिंग में है, तो द्विवचन का पुल्लिंग लगा देंगे, तो श्याम, जैसे बालक बालकऊ, श्याम श्यामऊ, तो राम और श्याम को उठा लिया, और ये हमारे पास दो हैं इसलिए द्विवचन बना लिया, क्लियर। आगे बात समझ में। अब दूसरा लेते हैं, हम एक और लेते हैं बच्चे, एक और उदाहरण देकर आपको समझा रही हूं। जैसे अर्थ च धर्म च काम च मोक्ष मोक्ष च। अब देखिए बच्चों, ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार है, यानी बहुवचन है, तो इनके और को हटा देंगे, जब हमें एक बनाना है ना, समास करना है, तो हमने क्या किया, यहां से चारों शब्द उठा लिए, कौन कौन से, अर्थ धर्म काम मोक्ष मोक्ष। अब ये क्या है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये क्या है, चार है यानी बहुवचन है, तो अब हम इसका मोक्ष का बहुवचन लगाएंगे, मोक्ष पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का बहुवचन क्या होगा, बालक बालकौ बालकहा, तो मोक्ष है मोक्ष मोक्ष। बहुत आसान है बच्चों, बस आपको क्या करना है, मूल शब्द को उठाना है, और अगर द्विवचन है तो द्विवचन लगा देना है, अगर पुल्लिंग का द्विवचन है तो पुल्लिंग का द्विवचन लगेगा, स्त्रीलिंग का द्विवचन है तो स्त्रीलिंग का द्विवचन लगेगा, नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग का द्विवचन या बहुवचन लगेगा, क्लियर। अब जैसे हम करते हैं, अब मैं आपको एक समास से समास विग्रह करवाती हूं। जैसे हम करते हैं राम सीते, आप देख रहे हैं ये दो शब्द हैं और पीछे ए लगा हुआ सीते,
अब सीते, आप ये देखो, ये आखिरी आखिरी पद जो है किसका, क्या है, सीता। सीता क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ये दो है, तो स्त्रीलिंग का द्विवचन क्या होता है बच्चों, बालिका बालिके, इसलिए यहाँ पर सीता सीते लगा हुआ है। तो हमारे को पता चल रहा है कि बच्चों ये दो हैं, तो दो को जब हम अलग अलग करेंगे तो च जोड़ देंगे, जैसे हमने च हटा दिए थे वैसे हम च जोड़ देंगे, तो हम करेंगे राम राम है, पुल्लिंग का है तो विसर्ग लगा देंगे, राम है च, सीता सीता स्त्रीलिंग का है तो विसर्ग नहीं लगेंगे, राम है च सीता च, बस, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया तो ये द्विवचन खत्म हो गया। ओके, तो जब हम जोड़ेंगे तो द्विवचन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि द्विवचन दो बने हैं, दो को हम एक बना रहे हैं, तो पीछे हम उसका शो कर देंगे कि ये द्विवचन है, ठीक है। और अगर अलग अलग कर देंगे तो जैसे हमने सीता अलग कर दिया तो सीता बन जाएगा, क्लियर। अब हम जैसे एक और कर रहे हैं, कंद मूल पलानी। अब देखिए ये क्या है बच्चों, समास। अब इसे विग्रह करना है, हमें शो हो रहा है कि ये फलानी जो है नपुंसक लिंग है और बहुवचन है, राइट। तो अब हमें, हमारे पास क्या आ रहे हैं, बहुवचन कैसे, कंद मूल और फल, तो कंद मूल और फल ये बहुवचन है, तो इसलिए इन्होंने फलानी लगाया, फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे जो, तो हम इसमें च जोड़ देंगे, कंद मूल और फल, तो कंदम च। और अगर इसमें देखिए यहाँ पे कंद मूल और फल तीनों नपुंसक लिंग के हैं, तो हम तीनों में नपुंसक लिंग लगाएंगे, हो सकता है इसमें कोई एक पुल्लिंग हो, कोई एक नपुंसक लिंग हो, कोई स्त्रीलिंग हो, तो हम जो लिंग होगा वही लगाएंगे, अलग अलग होने पर हम अलग अलग लिंग लगाएंगे, राइट। तो कंद हमारा कंदम, कंदम च मूलम च पलम च, ठीक है बच्चों, कंदम च मूलम च पलम च। अब हमने यहां फलानी से फलम कर दिया क्योंकि फल अब अलग हो गया, एक हो गया। तो जब हम इसको, जब हम समास बनाएंगे तब हम पीछे उसका वचन लगाएंगे, लेकिन जब हम अलग अलग करेंगे तो सब एक एक वचन में हो जाएंगे, तो सब हम एक एक वचन में कर देंगे। अगर कहीं ग्रुप में ये द्विवचन में होंगे तो वो आप इन इन समास में करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी, क्लियर। तो अब एक ये आपके, इस तरह से हमने, मैंने ये समास विग्रह से समास करना सिखा दिए, और ये समास से समास विग्रह करना सिखा दिया, राइट। ये कौन सा समास है बच्चों, इतरेतर, पहला समास। अब मैं आपको दूसरा समास सिखा रही हूं, समाहार। समाहार द्वंद समास, समाहार है द्वंद समास में बच्चों, बच्चों जैसे इतरेतर का मतलब था अलग अलग करना, यानी सारे पद अलग अलग हो जाते हैं। समाहार का मतलब होता है एक समूह में बनाना, एक समूह बनाना। और जब आपको बताया, जब एक समूह बन जाता है तो वो एक वचन में चला जाता है नपुंसकलिंग। ये किस में चला जाएगा, एक वचन नपुंसकलिंग में चला जाएगा। जैसे हम करते हैं, हमने किया ये, हम इसे काट देते हैं, हमने किया पानी च पादौ च तेषां समाहार। ये क्या है बच्चों, समास विग्रह। इन्होंने कहा है कि समाहार माने एक समूह में बनाना, इन्होंने कहा पानी माना हाथ और पैर, पादौ माना पैर, दो हाथ और दो पैर और उनका समूह, दो हाथ और दो पैर उनका समूह। तो पाणि च पादौ च तेषां समाहारः, दो हाथ और दो पैर उनका समूह। अब देखिए हम इसको एक एक बनाएंगे, तो एक समास बनाएंगे या एक पद में बनाएंगे, तो पाणि का मूल शब्द ले लेंगे, तो पाणि का मूल शब्द क्या होगा, पाणि, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, यानी एक हाथ जो होता है वो पाणि कहलाता है। दो हाथ बड़ी की मात्रा लग जाती है, और एक हाथ होता है वो छोटी की मात्रा लगती है। तो हमने इसे एक हाथ में बदल लिया, और
पादमना पहर एक पहर में बदल लिया, और अब मैंने क्या कहा, तेषाम समर उसका समूह, उसके समूह के लिए हम नपुंसकलिंग एक वचन लगाते हैं। नपुंसकलिंग एक वचन में जैसे फलम लगता है, इसमें लग जाएगा पद। क्लियर? पानी च पादौ च तेषाम समार है, दो पैर और दो हाथ उनका समूह, दो हाथ से और दो पैर थे, दो हाथ थे और दो पैर थे उनका, उनका ये दो बहुवचन हो गया, इसलिए उनका तेषाम समारा उनका समूह। तो हम एक वचन भी ले लेंगे, पानी एक वचन हो जाएगा, छोटी की मात्रा जब लग जाती है तो एक वचन हो जाता है पानी पा दम, पीछे नपुंसकलिंग एक वचन कर दिया। क्लियर? अब जैसे हम करें, हम मैं आपको सिखा रही हूं मुखम च च नेत्रे च तेषाम समाहारः। समाहार का मतलब होता है बच्चों समूह। तो मुख और नेत्रे, नेत्रे यानी द्विवचन लगा, नेत्रम नेत्रे, द्विवचन क्यों लगाया, क्योंकि आंख दो होती है ना, मुखम मुंह एक होता है, तो मुखम च नेत्रे च तेषाम समाहार, मुख और दो आंखों का उनका समूह, यह आपका हो गया समास विग्रह। अब हम इसको समास बनाएंगे तो मूल शब्द लेंगे मुख और इसका मूल शब्द लेंगे नेत्र, और मैंने आपको क्या कहा पीछे नपुंसकलिंग एक वचन लगा लो, क्योंकि समूह है, समूह एक वचन में जाता है, नपुंसकलिंग एक वचन, तुम मुख नेत्रम। क्लियर? आगे बात समझ में? अब जैसे मैं इसको विग्रह करना सिखा रही हूं, हस्त पादम, हस्त पादम, जैसा कि मैंने आपको बताया है समाहार वाले, समाहार समूह वाले में नपुंसकलिंग एक वचन में आएगी। इसकी पहचान ही बच्चों ये है कि ये इसके पीछे नपुंसकलिंग एक वचन होता है, और त्रेतर की पहचान ये है कि अगर ये दो होंगे तो द्विवचन लगेगा, अगर ये बहुवचन होगा तो बहुवचन लगेगा। राइट? एक वचन तो हो ही नहीं सकता, समास कभी एक तो होगा नहीं, एक पद तो होता ही नहीं है, दो पद होंगे या बहुवचन होगा। अगर इतरेतर में अगर दो वचन द्विवचन है तो द्विवचन पीछे द्विवचन लगेगा, अगर इतरेतर में कहीं बहुवचन है तो पीछे बहुवचन लगेगा। समाहार, समाहार में बच्चों समूह होता है और समूह एक वचन में होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग लगेगा, और एक वचन नपुंसकलिंग में पीछे म लगता है। क्लियर? अब जैसे हस्त पादम ये समास है, अब हम इसको विग्रह करते हैं। जब हमने किया हस्त, हस्त माना हाथ, हाथ किसी के भी क्या होते हैं दो, हम मानव को लेकर चलते हैं और हाथ होते हैं दो, तो क्या बनेगा पुल्लिंग है, हस्त है हस्तौ, तो क्या हो जाएगा हस्तौ च, अब पाद माना पैर, पाद माना पैर तो क्या बन जाएगा पादौ, पैर भी दो होते हैं तो पादौ च, अब ये हाथ, दो हाथ और दो पैर उनका समूह, तो ये दो, ये और ये दो मिलकर क्या बने बहुवचन, ये दो, दो हाथ और दो पैर मिलकर क्या बने बहुवचन, तो क्या आएगा तेषाम, तेषाम क्या है उनका, उनका तत् वाले रूप चलते हैं, तत् की उनका, का कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के का, तो कौन सी विभक्ति लगेगी बच्चों, ये सृष्टि विभक्ति लगेगी, उनका सृष्टि बहुवचन है तो तस्य तयोः तेषाम, तो हमारा क्या लगेगा उनका तेषाम समाहार है। समझ रहे हैं बच्चे बात? आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हें अलग करना है और नपुंसकलिंग को अलग करना है, अगर दो है तो द्विवचन में दिखाना है, बहुवचन है तो बहुवचन, ये कॉमन सेंस होता है। हाथ हमारे दो होते हैं इसलिए हमने हस्तौ किया, पैर हमारे दो होते हैं इसलिए हमने पादौ किया, चा तेषाम समार है उनका समूह। राइट? और जब हम इसको समास बनाएंगे तो इसका मूल शब्द ले लेंगे हस्त और इसका पादौ का मूल शब्द ले लेंगे पाद, और समाहार की जगह म लगा देंगे, नपुंसकलिंग एक वचन में। ओके, नेक्स्ट मैं करती हूं आपको, नेक्स्ट सिखाती हूं अहर, अहर निशम। देखिए ये भी म लगा हुआ है पीछे नपुंसकलिंग एक वचन लगा हुआ है, इट मींस ये क्या है समाहार है। अब ये अहर, ये विसर्ग वाला
ये जो ऊपर र लगा हुआ है वो आपको पता है संधियों में विसर्ग की जगह र लग जाता है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे अह और च, दिन और रात। दिन और रात, दिन भी एक है रात भी एक है, तो इसलिए अह एक वचन में लगाएंगे, निशा भी एक वचन में लगाएंगे, निशा च। अब देखिए ये एक है और ये एक है तो क्या बने दो, और उनका, उनका में दो जाएंगे, दो ही वचन है, इन सब में बहुवचन था इसलिए हमने तेषाम लगाया, यहां पे दो है तो हम लगाएंगे तस्य तयो, द्विवचन लगाएंगे, तत् का तयो द्विवचन हो गया, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, अह च निशा च ते तयो समाहार है। समझ गए बच्चों बात, यहां तयो क्यों लगा क्योंकि यहां पे ये दो थे, यहां तेषाम क्यों लगा क्योंकि यहां पे ये बहुवचन था, यहां तेषाम क्यों लगा क्योंकि ये यहां पर भी दो नेत्र और एक मुख था, यहां पर भी बहुवचन था, यहां बहुवचन तेषाम क्यों लगा क्योंकि यहां पर भी बहुवचन था, जो होते। अब जैसे यहां दो हैं तो तयो द्विवचन लगेगा, और एक बात आपको ये बता दें बच्चों, अहच इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अहश्च इसकी हमने संधि कर दी, क्लियर आ रही है बात समझ में, आप मूल शब्द लेकर के हम उसका समास कर लेते हैं, समास बना लेते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट मैं आपका तीसरा समास सिखाने की कोशिश कर रही हूं जो एक शेष है, एक शेष समास, एक शेष द्वंद समास। एक शेष का मतलब बच्चों क्या है, एक शेष का मतलब है एक रह जाना, एक शेष दो का एक बन जाना, बहुवचन का भी एक बन जाना, वो एक शेष कहलाता है, क्लियर। तो जैसे हम आपसे बोले माता च पिता च, अब ये दो हैं, माता च पिता च, ये समास विग्रह और ये दो हैं, अब अगर हम इसको एक शेष बना लें, एक शेष बनाए तो पितरौ पीछे जो आसान हो, जिसके वचन लगाना हमें आसान हो तो पिता पितरौ। अब पितरौ दो हमें शो कैसे होगा, ये द्विवचन है बच्चों, द्विवचन का मतलब दो पिता, दो पिता नहीं होते हैं, ये एक शेष समास है, यानी पिता शब्द आते ही माता अपने आप आ जाता है, तो माता च पिता च, अब पिता कहेंगे दो पिता मतलब नहीं, माता च पिता च, और इस तरह से हमारे दो अलग अलग हो गए तो दो हमारे ये बन गए, तो ये हमने इसको एक शेष कर लिया, एक बना लिया और द्विवचन दिखा करके हमने बता दिया कि पीछे माता भी है, माता च पिता च, ये एक शेष हो गया। यानी एक शेष का मतलब यह है कि हम एक का नाम ले तो दूसरे का नाम ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाए, तो वो एक शेष समाज, पिता का नाम लेते तो माता अपने आप आ जाती है ना, माता च पिता च, और पितरौ पिता का नाम लेंगे तो माता आ जाएगी, माता दो पिता च पिता च नहीं करेंगे, क्लियर। अब जैसे दूसरा हम बोलते हैं, एक आता है हमारे पास पति च पत्नी च, है ना, हमारे पास क्या आता है बच्चों, पति च पत्नी च, पत्नी च। अब देखिए ये हमारे पास पति च, ये भी दो है, ये भी द्विवचन है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चलता है, इसको दंपति से बच्चे रट लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके का, पति पत्नी को दंपति बोलते हैं, इसे याद कर लीजिए, क्लियर। अब मैं आगे करती हूं, एक और करती हूं, एक और सिखाती हूं, नरह च नारी च। अब देखिए ये दो हैं, अब द्विवचन लगाते हैं, अगर हमने नरऊ लगा दिया, नर का द्विवचन क्या होता है नरऊ, नर नरऊ हो गया तो नरऊ क्या हुआ द्विवचन हुआ, तो दो नर नहीं है, नरच नहीं करेंगे, तो हम इसको करेंगे ये ऑटोमेटिकल नर और नारी, तो ये ऑटोमेटिकली बात है, तो नर नर और नारी, नर च नारी च, तो ये द्विवचन दिखा देंगे, इस द्विवचन से शो हो जाएगा कि यहाँ पे द्विवचन दो है और नर च नारी, नारी नर है तो उसके साथ नारी है, ओके। अब मैं समास में करवा रही हूं वृद्धौ, वृद्धौ हमने लिख लिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों है कि दो हैं वृद्ध, तो वृद्ध च नहीं होगा, अब वृद्ध अब हो जाएगा वृद्धा च
वृद्धा च वृद्ध च, यानी दो वृद्ध हैं तो एक वृद्धा है और एक वृद्ध है, या वृद्धा च वृद्धा च दो जन हैं। इस तरह से हमने अगर हमने किया बच्चों, एक मैं आपको और सिखा रही हूं, बाल कहा, बाल कहा एक बचा हुआ है ना, एक बना हुआ है तो ये एक शेष समास है। अब हम इसको विग्रह करेंगे तो बालका में हमारे पास आएगा बालिका, ये बालिका च बालका च, क्योंकि ये जो है हमारा है पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो ये हमारा पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो बालिका इसके साथ स्त्रीलिंग लग जाएगा और पुल्लिंग का भी। अब देखिए बहुत सारी बालिकाएं और एक बालक ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं बालिका च बालका च, ऐसा भी हो सकता है। देखिए बहुत सारी बालिकाएं और एक बालक बहुवचन, ये बहुवचन शो कर रहा है, बहुत सारी बालिकाएं और बहुत सारे बालक ये भी बहुवचन है, ये भी यही शो कर रहा है। और हम इसको बच्चे एक ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ये दो तरीके का सही है, इससे आप मतलब ये शो होना चाहिए जब हम विग्रह करें तो उसका ये शो होना चाहिए कि ये बहुवचन बनने चाहिए। अब एक हमारे पास इस तरीके का भी आ सकता है, अब हमारे पास ऐसे भी आ सकता है बालकौ। अब इसमें हमें एक बालिका दिखानी होगी, एक बालक दिखाना होगा, क्या लिखना होगा हमको, लिखना होगा बालिका च बालकह च, यानी ये एक बालक और एक बालिका है बालिको, यानी हमारे पास ये दो है तो हमें दो शो करना होगा, ये हमारे पास बहुवचन है तो यहां पर विग्रह होने के बाद बहुवचन बनना चाहिए, चाहे बहुवचन तीन का हो चाहे बहुवचन बहुत सारे का हो, पर लेकिन ये जैसे ये तीन का बहुवचन है, तीन भी बहुवचन होता है और चार और बहुत सारे भी बहुवचन होते हैं, तो हम इसे किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर, आपको बात मेरी समझ आ गई होगी, और मैंने आपको ये द्वंद्व समास सिखाया है, बहुत आसान है बच्चों, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको, रिवाइज करा करके आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी, समझ और अच्छी तरह से आ जाएगा। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष, राइट। इतरेतर का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग होना, राम च श्याम च, दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों पद अलग अलग है, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो जो पीछे वाला होता है उसमें पीछे वाले पद में हम क्या करते हैं, पीछे वाला पद या उत्तर पद कहिए, इसमें हम क्या कर देते हैं वचन शो कर देते हैं, कि अगर द्विवचन होता है तो द्विवचन, बहुवचन होता है तो बहुवचन शो कर देते हैं। राम च श्याम च दो हैं तो यहाँ पे हमने मूल शब्द लिखा राम और श्याम और इसको द्विवचन में शो कर दिया, बालका बालकौ श्याम श्याम, राइट। अब जैसे अर्थ च धर्म च काम च मोक्ष च, ये बहुवचन है और बहुवचन में मूल शब्द ले लिए और च हटा दिया, एक समास बनाते समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों बहुवचन में जा रहे हैं, तो मोक्ष ये पुल्लिंग का बहुवचन है तो यहाँ पे मोक्षा दिखा दिया, बालका बालको बालका, मोक्षा मोक्षो मोक्षा, तो हमने क्या किया यहाँ पे मोक्षा दिखा दिया, राइट। अब जैसे समास है, समास को बना हुआ है राम सीते, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का द्विवचन है, सीता सीते, बालिका बालिके, द्विवचन है तो हमें शो हो रहा है कि ये द्विवचन है तो इनको हमने अलग अलग कर दिया, राम च सीता च, जो जो बच्चे लिंग पुरुष पुल्लिंग होता है तो विसर्ग लगाते हैं, अब ये हमारा स्त्रीलिंग है तो हमने इसमें विसर्ग नहीं लगाया, रामा सीता, जो 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 लिंग होता है वही लिंग लगा दिया जाता है। अब जैसे कंद मूल फलानी, अब यहाँ पे फलानी फलम जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए फलम फले फलानी नपुंसक लिंग लगा दिया, और जब इसको अलग अलग किया तो बीच में च जोड़ दिया, और तीनों हमारे पास नपुंसक लिंग के हैं इसलिए हम तीनों में कंदम च मूलम च फलम च लगा देंगे। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे पुल्लिंग भी आ जाए, तो पुल्लिंग होता है तो विसर्ग लगा देते हैं, स्त्रीलिंग होता है तो आ की मात्रा लगा देते हैं, जैसा होता है वैसा लगा दिया जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास समाहार द्वंद्व समास है,
समाहार द्वंद समास समाहार का जैसे मैंने बताया कि ये समूह होता है, समूह एक वचन में जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका समास बनाते समय नपुंसक लिंग एक वचन लगाया जाता है। जैसे पाणी च पादौ च तेषां समाहार है, पाणी और दो हाथ और दो पैर उनका समूह, उनका मतलब तत् तत् उनका, का में षष्ठी विभक्ति लगेगी, अगर बहुवचन होगा तो तेषां लगेगा, अगर एक द्विवचन होगा तो तयों लगेगा, है ना। अब जैसे पाणी दो हाथ हैं और दो पैर हैं उनका समूह, तो इसलिए ये चार हैं, बहुवचन है, इसलिए तेषाम आ जाएगा। तो ये आपका पाणी च पादौ च तेषाम समाहार है। जब हम इसको करेंगे तो मूल शब्द ले लेंगे, पाणी मूल शब्द है, ये पाणी छोटी की मात्रा लग जाएगी, और पाद और इसमें नपुंसक लिंग लगा दिया, पादम, पाणी पादम कर दिया, क्लियर। इसी तरह से मुखम च नेत्रम च तेषाम समाहार है, नेत्र जो है द्विवचन होता है, दो आंखें होती हैं, इसलिए नेत्रम नेत्रे कर दिया है। मुखम, हमें जब समास विग्रह करना होता है तो देखना होता है बच्चों, कॉमन सेंस लगाना होता है कि हाथ दो हैं तो दो शो करनी है, आंखें दो हैं तो दो शो करनी है, नाक हमारा एक है तो एक शो करना है, मुंह हमारा एक है तो एक शो करना है। मुखम च नेत्र च तेषाम समाहार है, क्योंकि ये दो और ये एक मिलके बहुवचन जाएगा, इसलिए तेषाम समाहार है, समाहार है, राइट। अब हस्तपादम, हस्तपादम दो हा, अब देखिए मूल शब्द है, ये हमने ये समास विग्रह, समास है, इसे समास विग्रह करना है। अब हस्तपादम, हस्त भी हाथ हमारे दो होते हैं इसलिए हमने हस्तौ दो दिखाया, पैर हमारे दो होते हैं इसलिए हमने पादौ दो दिखाया, तो हस्तौ च पादौ च तेषाम, अब ये दोनों मिलकर क्या बने, बहुवचन, तो तेषाम और समाहार लगा दिया, उनका समूह, राइट। अह ऋषम, दिन और रात, दिन भी एक है रात भी एक है, तो अह ये र जो है विसर्ग में चला जाएगा, अह अह च निश, निश मन निशा, निशा स्त्रीलिंग में है तो निशा च, अब ये दो मिलकर दो बने हैं इसलिए तेषा, इसमें क्या लगेगा, तयो लगेगा, तेषाम नहीं लगेगा, तयो समाहार है, क्लियर। अह च का हम संधि भी करके ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए एक शेष समास, एक शेष समास में एक पद रह जाता है, जब हम समास बनाते हैं तो वो एक पद में रह जाता है, एक पद दूसरे पद को शो करता है, एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है, जैसे माता च पिता च, माता और पिता, अब हमने क्या किया, हमने इसमें पितरऊ कर दिया और शो करने के लिए द्विवचन लगा दिया, क्योंकि दो हैं इसलिए द्विवचन लगा दिया, पिता दो पितरऊ, पितरऊ कर दिया, हमें पता चल रहा है कि पितरऊ में एक माता है और एक पिता है, क्लियर। इसी तरह से पति च पत्नी च, ये हमने आपको कहा है बच्चों, ये पति च पत्नी च, इसमें बच्चों मैंने कहा है इसे रिवाइज लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये पति च पत्नी च दंपति बिल्कुल अलग तरीके का है, और ये ज्यादातर बच्चों पेपर में आ भी जाता है, राइट। आप नेक्स्ट आ जाइए नर च नारी च, नर च नारी च का मतलब क्या है, हमने क्या किया, नरऊ कर दिया, अब नरऊ दो है तो दो हमें पता है कि एक नर है और एक नारी है, ओके, द्विवचन दिखा दिया, राइट। आप जैसे विग्रह में समास में देखिए वृद्धौ, वृद्धौ हमें द्विवचन शो हो रहा है, और ये द्विवचन शो जब होगा तो जब हम अलग करेंगे समास विग्रह करेंगे तो वृद्धा च वृद्ध च, वृद्ध में विसर्ग लगेंगे बच्चों, वृद्ध वृद्धा च वृद्ध च, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए बालका, अब बालका से शो हो रहा है, बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं, इसका मतलब बालक ही बालक नहीं है, बालिका च बालिका च, अब हमें तीन दिखाने हैं या तीन से ज्यादा दिखाने हैं, तो हम बालिका च बालिका च भी कर सकते हैं, बालिका च बालका च भी कर सकते हैं, ये भी मिलकर के बहुवचन बनेगा और ये भी मिलकर के बहुवचन बनेगा, क्लियर। अब हम एक और देख लेते हैं बच्चों, बालकऊ, बालकऊ आ गया, यानी बालकऊ है एक शेष है, केवल दो है, तो हमें इसमें दोनों जब हम विग्रह करेंगे तो दो ही शो होने चाहिए, बालिका च बालक च, एक बालिका और एक बालक, क्लियर बच्चों, बहुत आसान है, एक तीनों समास जो है बहुत आसान है, तीनों द्वंद समास के तीनों भेद जो है बहुत आसान है, और मैंने आपको समझा दिया है बच्चों, घर में जब आप वीडियो देखें उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस
बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करने से आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर आप ये समाज मेरे वीडियो पढ़ करके ऐसे ही छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ बच्चों, ये फिर आप नहीं समझ पाएंगे। आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं बच्चे, इसके बाद कम से कम 25-30 उदाहरण लेके आप उनकी प्रैक्टिस करिए। वैसे तो मैं कहना चाहूंगी कि इससे ज्यादा करिए, पर आपके एग्जाम है और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, तो कम से कम 25 से 30 तक तो आप उदाहरण लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिक्स उदाहरण लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। बच्चे कहीं आपको प्रैक्टिस करते समय कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो आप उन्हें मेरे कमेंट बॉक्स पे आके डालिए, या मेरे कॉन्टैक्ट मुझे कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं, और मैं आपके कांटेक्ट में भी बात करूंगी, बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगी और आपको कमेंट बॉक्स पर जाकर के आपकी प्रॉब्लम को उठाऊंगी, राइट। और इसके बाद मैं बच्चों कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स पर जाकर, आप जब कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने डाउट्स मेरे पास डालते हैं, तो उसके बाद अच्छे डाउट्स डालिए, अच्छी बात पूछिए मुझसे। ऐसे मत पूछिए कि कोई उदाहरण दे दिया, मैम इस उदाहरण को कैसे ये उदाहरण क्या किस तरीके का हुआ, नहीं। आप अपनी प्रॉब्लम पूछिए कि आपको यहाँ पर इस उदाहरण में कहाँ दिक्कत हुई है, कहाँ बात समझ नहीं आ रही है, क्यों आपको बात समझ नहीं आ रही है, क्यों नहीं समझ आ रही है, राइट। तो मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहती हूँ बच्चों कि आप मेरे वीडियो देखकर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर हमारा मनोबल बढ़ता है। और मैं वैसे भी वीडियो आपके काफी डाल रही हूँ, और भी प्रयत्न करूंगी और भी जल्दी जल्दी डालने की वीडियो कोशिश करूंगी। और बच्चों मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स भी आपके वीडियो पढ़ करके उस पर इन समाज का लाभ उठाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए और लाइक भी जरूर कीजिए, राइट। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके, नेक्स्ट समाज लेकर बहुत जल्दी आ रही हूँ। देन तब तक के लिए आपसे गुड बाय।